नमस्कार मित्रों, आज का ये सर्च करने का टॉपिक है कि अश्वत्थामा जिंदा है या नहीं है। महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके बाद 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी जीवित बचे थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। कहते हैं कि वे आज भी अपराजित और अमर हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वे आज जीवित हैं। कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वे कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन महाभारत में जो लिखा है वही प्रमाण है और जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वही सत्य है। आप ये देखेंगे कि क्या सच है। महाभारत के युद्ध में भीष्म के सरसैया पर लेटे रहने के बाद युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। अश्वत्थामा और द्रोण मिलकर युद्ध में कोहराम मचा देते हैं, जिसके चलते श्री कृष्ण और पांडवों की सेना में चिंता की लहर दौड़ जाती है। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युद्ध से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब क्रूर द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जाननी चाही तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद करके वे शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। यह समाचार अश्वत्थामा के लिए भयंकर रूप से दुखद था। पिता की छल पूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर ताक में रख देता है। इसके बाद वह घोर अपराध करता है। पहला यह है कि वह रात्रि में सोते हुए द्रौपदी के सभी पुत्रों की हत्या कर देता है। दूसरा यह है कि वह ब्रह्मास्त्र चला देता है, फिर उस ब्रह्मास्त्र को रोक पाने में असमर्थ होने के कारण वह उसे अर्जुन की पत्नी उत्तरा के गर्भ में उतार देता है, जिसके चलते उसके गर्भ में पल रहा पुत्र मर जाता है, जिसका नाम परीक्षित था। हालांकि जब श्री कृष्ण अश्वत्थामा को शाप देते हैं तब वे उसे जिंदा करने और उसके वंश वृद्धि की बात भी कहते हैं। अंत में श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन धर्मात्मा, सोए हुए असावधान मतवाले पागल अज्ञानी रथहीन स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इससे अश्वत्थामे ने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है, सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः तत्काल इसका वध करके इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण को इन वचनों को सुनने के बाद अर्जुन को अपने गुरु पुत्र पर दया आ गई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी ने कहा, हे आर्य पुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और उसकी हत्या करना पाप है। आपने इनके पिता से इनके अपूर्व शास्त्रार्थों का ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सामने बंदी खड़े हैं। इनका वध करने से इनकी माता कृपी मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेंगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वे द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपि की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनका वध करने से मेरे मृत पुत्र लौट कर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन वचनों को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध करना पाप है और आततायी दंड ना देना भी पाप है, अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के